महाराष्ट्र के जितने आदिवासी साथी हैं और जितने आदिवासी विद्यार्थी हैं उनसे हमारे लोगों की सामाजिक अपील है कि जो विरोध प्रदर्शन पूरे महाराष्ट्र में आदिवासी विद्यार्थी संघ, ऑल इंडिया इंडिजिनियस स्टूडेंट फेडरेशन, बिरसा ब्रिगेड और तमाम आदिवासी संगठनों के मार्फत DBT के खिलाफ में चल रहा है, इसको निर्णायक मोड़ पर ले जाना है। राज्य शासन के जो पदाधिकारी है, जो निर्णय लेने वाले लोग हैं, वो आदिवासियों की मांग को दरकिनार कर रहे हैं, उनको अनदेखा कर रहे हैं, उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और पूरे विद्यार्थी भूखे प्यासे इस आंदोलन में कूदे हुए हैं। जितने आदिवासी नेता हैं, आमदार हैं, उनसे भी अपील है कि वो अपनी पार्टी को और संगठन को दूर रख के समाज के हित में बात रखे, जाके मुख्यमंत्री जी को समझाए, राज्यपाल को समझाए कि जो DBD की योजना है वो कैसे गलत है। ये DBD की योजना आदिवासी विद्यार्थियों के संगठन को ख़त्म करने वाली है, ये DBT की योजना राज्य सरकार अपनी जवाबदारी ख़त्म करने वाली है। इस योजना के बाद में राज्य सरकार स्कॉलरशिप पे भी अटैक कर सकती है। ये योजना का घोषणा करने के बाद राज्य सरकार का जो आदिवासियों के प्रति व्यवहार है वो खुला दिखाई दे रहा है। ये योजना समाज कल्याण में लागू क्यों नहीं हुई अगर आदिवासियों के लिए लागू किया करना था, यानी आदिवासियों पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ये बात सिद्ध हो रही है। आदिवासियों को एक्सपेरिमेंट पीपल बोला गया है, प्रयोग करने में, प्रयोग के लिए जो उपयोग में लाते हैं, जैसे मेंढक को उपयोग में लाते हैं, आदमी को उपयोग में लाते हैं, उस तरीके के आदिवासियों को उपयोग में ला रहे हैं। मेरा आप तमाम लोगों से विनती है कि आप अपने संगठन की जातिवाद, व्यक्तिवाद, क्षेत्रवाद, संगठनवाद, इन सब मरी हुई बातों को, ये समाज के लिए जो घातक बातें हैं, इनको छोड़कर शुद्ध सामाजिक मूवमेंट की तरफ आ जाओ। अपने आने वाली जनरेशन को अगर बचाना चाहते हो तो ये DBT बंद करो, इस आंदोलन को बंद करो, इस DBT का जो मुहिम है सरकार का, ये आदिवासियों के विरोध में है। ये DBT की मुहिम ने आदिवासी बच्चों से उनका 25% समय छीन लिया है। ये सरकार उसके अकाउंट में चेक तो दे रही है लेकिन उससे 3 घंटा छीन ले रही है, और जो 3 घंटे में आदिवासी विद्यार्थी ने पढ़ाई करना चाहिए वो 3 घंटा वो मेज के चक्कर में घूमते रहेगा। ये आदिवासी विद्यार्थी के साथ में धोखा है। जितना अमाउंट ये लोग DBT के लिए दे रहे हैं, DBT के मार्फत दे रहे हैं मेज के लिए, उतने अमाउंट में तो एक समय का नाश्ता और एक समय का खाना होता है, 2 समय का खाना हो नहीं सकता। आदिवासियों की खुराक सरकार को मालूम है, आदिवासी बच्चे की खुराक सरकार को मालूम है। वो जानते हैं कि कोई प्राइवेट मेस वाला आदमी आदिवासी बच्चों को खाना नहीं खिलाता है क्योंकि वो ज़्यादा खाता है। ये आदिवासियों को अपमानित करने वाली बात है। आदिवासी बच्चों का अपमान है, ये आदिवासी मेहनत कश लोगों का अपमान है, क्योंकि आदिवासी बच्चा हेरिडिटी है, वंश से ही हम लोगों की डाइट वैसी रहती है, क्योंकि हमारे माँ बाप मेहनत करने वाले हैं। हमारे माँ बाप जमीन पर मेहनत करते हैं, खेत पर मेहनत करते हैं, सड़क पर मेहनत करते हैं, वो मेहनत करने वाले लोग हैं। हमारा DNA ही ऐसा है, हम मेहनत करने वाले लोग हैं और हमको अपमानित कर रहे हैं। हमारा बच्चा पूरा तरह खाना नहीं खाना चाहिए, ये प्लानिंग की जा रही है। हमारे बच्चे का स्वास्थ्य खराब होना चाहिए, ये प्लानिंग करना कर रहे हैं ये लोग। आदिवासी बच्चे एक जगह बैठकर कोन, परदान, कोरकू, भील, आन, महादेव कोड़ी, वारली, कोरकू, ये सब लोग एक जगह नहीं आना चाहिए, एक दूसरे से जुड़ना नहीं चाहिए, ये प्लानिंग की जा रही है। और एक प्लानिंग के तहत आदिवासी विद्यार्थियों को ये लोग ख़त्म करना चाह रहे हैं, उसके संगठन को ख़त्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सर्वे कर लिया था कि आमदारों से ज़्यादा आदिवासी विद्यार्थी लड़ते हैं। आदिवासी विद्यार्थी सड़क पे आता है आरक्षण के प्रश्न को लेकर, आदिवासी विद्यार्थी सड़क पे आता है पदोन्नति के प्रश्नों को लेकर, बोगस आदिवासियों के प्रश्नों को लेकर, आश्रमशाला के प्रश्नों को लेकर। और ये बात गवर्नमेंट जानती है कि आदिवासी आमदार चुपचाप रहते हैं, विद्यार्थी सड़क पर लड़ते हैं। जो नेता है वो चुपचाप रहते हैं, वो पार्टी के फेवर में जाते हैं, समाज के फेवर में नहीं जाते। और समाज के फेवर में एक में वो वर्ग है, समाज का युवा वर्ग, जो विद्यार्थी वर्ग है, वही लड़ाई लड़ रहा था और उसी को ख़त्म करने का षड्यंत्र ये DBT के मार्फत हो रहा है, जिसका बिरसा ब्रिगेड के मार्फत, मिशन के मार्फत, आदिवासी विद्यार्थी संघ के मार्फत, ऑल इंडिया इंडिजिनियस स्टूडेंट फेडरेशन के मार्फत और तमाम जितने सहयोगी संगठन है सबके मार्फत हम लोग पूरे राज्य भर में इसका विरोध कर रहे हैं। और जब तक के ये DBT बंद नहीं होता, राज्य सरकार के साथ हमारी लड़ाई चलते रहेंगी। और अब ये निर्णायक मोड में जा रही है, अपने अपने क्षेत्र के आदिवासी नेताओं के घर में जाओ, उनको पूछो, अगर वो नहीं मानता आपकी बात तो उसके घर में ताला लगाओ।
ये आंदोलन हम लोग एक हफ्ते बाद शुरू कर रहे हैं। साथियों, मेरी आमदारों से भी विनंती है, विद्यार्थियों से विनंती है कि ये आखिरी मौका है, अगर हमने नहीं किया तो हम खत्म होने वाले हैं। इसमें हम लोगों ने खुला आह्वान किया है, हमने नागपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भी लेटर दिया है, उनसे वहाँ पर बात हुई, हमने खुला आह्वान दिया है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो बात करे आदिवासियों के साथ में, सेक्रेटरी ने बात करना चाहिए, मुख्यमंत्री ने बात करना चाहिए, राज्यपाल ने बात करना चाहिए, क्योंकि ये मामला बहुत संवेदनशील है। ये 40,000 आदिवासी बच्चों के पेट से जुड़ा हुआ मामला है, ये 40,000 आदिवासियों की जिंदगी, विद्यार्थियों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। ये मामला अगर आप लोगों ने नहीं उठाया, अब अगर आप लोग वो सड़ी सड़ी बातों में रहेंगे, एक चिल्लर बातों में रहेंगे, नीच बातों में रहोगे, जातिवाद और व्यक्तिवाद की और संगठनवाद की इन बातों में रहोगे, तो आप समाज के साथ गद्दारी कर रहे हो। आप सामाजिक मूवमेंट को समझते ही नहीं हो, आपको समाज समझा ही नहीं है, आपको सामाजिक तौर पे कोई काम करने का अधिकार नहीं है, आप सामाजिक नेता हो नहीं सकते, आप जाति के नेता हो सकते, समाज के नेता नहीं हो सकते, आप समाज के कार्यकर्ता नहीं हो सकते। हमारी अपील है, उस आदिवासी विद्यार्थी के फेवर में आओ जिसको खाना नहीं मिलता, जो आश्रम स्कूल में बैठा है, हॉस्टल में बैठा है और उम्मीद लगा के रखा है कि भैया मेरे समाज के लोग मेरे को बचाएंगे। ये हमारी आखिरी जनरेशन है, आखिरी जनरेशन को बचाने के लिए आखिरी जनरेशन की आखिरी लड़ाई है, इसको सक्सेस करना है। आप लोगों से विनंती है, अपने अपने राज्य में जहाँ जहाँ पीओ कार्यालय है, जहाँ जहाँ एटीसी कार्यालय है, वहाँ घेराव करो, वहाँ पे धरना देके बैठ जाओ, डीबीटी बंद होना चाहिए। इसके लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के सब लोगों से सामाजिक अपील कर रहे हैं हम लोग कि ये आंदोलन को सफल बनाए, डीबीटी बंद होना ही चाहिए महाराष्ट्र में। इस संकल्प के साथ में आप लोग बिरसा मुंडा को, टंटा भील को, बाबूराव शेरमाते को, राघोजी भांगरे को, रेंगा कोरकू को, श्यामा दादा कोलाम को, हमारे जितने शहीद हैं उन तमाम लोगों की आपको कसम खाना पड़ेगा और इस आंदोलन को निर्णायक मोड़ तक ले जाने की तैयारी करिए। यही मेरी आप लोगों से विनती है। जय आदिवासी, जय सेवा, जय बिरसा।